को एक मैसेज देना चाहती हूँ। प्लीज आप हमारा ये मैसेज सुनिएगा ध्यान से और देखिएगा इसको आप। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के बज रहे 8 और आज कुछ मेरे साथ में उठ गए इसलिए बहुत रो रहा है। अभी कुछ काम भी नहीं करने दे रहा है। ये देखिए कुछ गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग कुछ आज मेरे साथ में उठ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं किचन में और क्योंकि हस्बैंड को स्कूल जाना है और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। फटाफट काम कर लो अपना ख़त्म कर लो मैं आप लोगों से मिलती हूँ। फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए। हस्बैंड स्कूल चले गए हैं और ये देखिए नमकीन है दालमोठ वाली यही खा के गए हैं और चाय पी के गए हैं। ये देखिए फैम नहीं खाना तुम बनाए थे सब्जी रोटी बनाए थे पर कहने हमारा मन नहीं हो रहा है सुबह के टाइम पे खाने का। इसमें सोच रहे हैं कि प्याज डाल दें। प्याज काट के डालने से इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है तो मैं मैगी में जा रही हूँ प्याज काट के डालने फिर मैं इसको खाऊंगी चाय के साथ। तो ये देखिए हम प्याज डाल दिए हैं और इसका टेस्ट और बढ़ गया। अब कुछ भी हमारे साथ बैठ गए खाने के लिए कुछ भी खाएगा। कुछ खा रहे हो कुछ भी खा रहे साथ में अच्छा लग रहा है। चलिए हम खा लें आप लोग भी आइए खाने के लिए। ये ला खा लो ये ला। चलिए फिर मैं चाय पी लूँ और नमकीन खा लो फिर मैं आप लोग से बात करती हूँ। फिर चाय पी चुके हैं नमकीन खा चुके हैं देखिए पेट हमारा खाली हो गया और काफ़ी टेस्टी लगता है। अगर प्याज अगर आप नमकीन में डाल दीजिए तो और अच्छा लगता है। और कुछ भी देखिए खा चुके हैं नीचे जा रही है जा रहे हो खा चुका ही भी जा रहा है इसको भी बहुत अच्छा लग रहा था। बाय। तो अब जा रहे मम्मी भी नहा चुकी हैं नहा के आ चुकी हैं अब जा रहे उनको भी चाय दे दें। यही मम्मी की चाय है और आलू परवल की सब्जी है और रोटी है। मम्मी चाय लाएं लीजिए बाबू को भी खिला चप्पल यहाँ रखा है लीजिए खिला दीजिए नहीं लगेगा। ये क्या किया रोटी है रोटी कहाँ रखा ये पीछे निकला जरा तो सब लोग ये ला दो रोटी इधर आओ बाबू इधर ला रोटी ये रोटी कहाँ रखा ये पीछे रखा आपने इतना दादी दादी के खाने को है। ये देखिए कितना कैसे बना दिया रोटी तोड़ तोड़ के कुछ इधर देखो चाबी पीछे फेंका था क्या बना दिए तुम होते मौसम ये देखिए कितना खूबसूरत है और बारिश भी हो रही है हल्का हल्का जिसा पड़ रहा है। बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं सब केशव भी आ चुके हैं अब कुछ भी इधर आते कुछ बहुत खुश है पानी बरस रहा है कितना बारिश में बहुत खुश है बहुत हवा चल रही है तेज सारे बच्चे इस समय मग्न इधर देखो कुछ केशव इधर आओ ये देख हेलो आलम ऊपर छत पे और बारिश अब कुछ तो बहुत खुश है कुछ इधर आओ कुछ अरे इधर कुछ बारिश भी कितनी खुश है देखिए कुछ नहीं बाप जो पानी गिर रहा है बारिश हो रही है पूरा है बूंदे हो गई देखिए कुछ को केशव आज शादी में जब ना किनारे इधर आ जाओ काफी गर्म मौसम हो गया था मौसम काफी अच्छा है और इस तरह हल्की की बारिश होती है बारिश में तो और मजा आता है। चलिए आप लोग भी वीडियो को एंजॉय करिएगा।
खुश? खुश बारिश भी कितने खुश हैं। खुश आ जाओ, बारिश तेज हो गई, चलो नीचे चलो सब लोग आ जाओ, बारिश तेज हो गई है। मौसम देखिए बादल कितना चल रहा है, कितना खुश लग रहा है। कुछ क्लैपिंग कितना कर रहा है। कुछ आओ नीचे। तो फ्रेंड्स शाम के बज रहे 7:30 और हम इस समय किचन में रोटी बना चुके हैं। और ये देखिए लौकी रखे हैं, लौकी आलू का 2 प्याजा हम बनाएंगे सब्जी। और ये सब्जी बनाने से पहले हमको बाथरूम में जाना है, कपड़े भिगोए थे सुबह के टाइम पे और कपड़े नहीं साफ हुए, तो मैं जा रही पहले कपड़े साफ करने के लिए, फिर मैं आऊँगी लौकी की सब्जी बनाने के लिए, फिर मैं किचन साफ करूँगी, फिर बाद में कुछ काम करूँगी। तो चलिए फटाफट मैं किचन बाथरूम में जा रही हूँ कपड़े साफ करने, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स हमने कपड़े को साफ कर लिया है और मैं सारा कपड़ा चेयर पे रखती हूँ, जब पानी अच्छे से निकल जाएगा तब मैं कपड़े को फैलाऊंगी। कुछ नहीं, बाबू आ रहा है इसमें, कुछ जाओ यहाँ से जाओ, पर जाओ कुछ नहीं जाओ। तो फ्रेंड्स रात के बज रहे हैं 10:15 और मेरा काम खत्म हो चुका है, खाना भी बना चुके, कपड़े भी साफ कर चुके, किचन भी साफ कर चुके और सब लोग खा भी लिए खाना। खाना खा लियो, कृष्णा सो जाओ, ये खाना खा के जल्दी सो जाओ। और अभी हम खाना नहीं खाए हैं और अभी हस्बैंड अभी आए नहीं, बस आ ही रहे हैं ऐसे। तो चलिए वीडियो से बने रहिएगा हमारे और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रखिए, मुझे आप लोगों के साथ की बहुत जरूरत है। और खुश देखिए बाहर है, पूरा टाइम सता नहीं गया, हाँ बुला आराम को, आ जाओ ये दिल कुछ को आ जाता ऊपर, हट जाओ कुछ को दिखा रहे हैं, हट जाओ ये देखिए। हाँ खुश की मालिश भी अभी कर चुके हैं कि हम सोचे मालिश करें। हेलो दिखलाओ, छोड़ो इधर दिखला, तो इधर देख लो ये दांत काट रहा है, ये देखिए बहुत शैतान है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं अभी आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स रात के बज गए 11:30 और अपनी वीडियो को यहीं पे हम एंड कर रहे हैं। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले, बंद करने से पहले मैं अपने इस वीडियो के ज़रिए मैं यूट्यूब को एक मैसेज देना चाहती हूँ। प्लीज़ आप हमारा ये मैसेज सुनिएगा ध्यान से और देखिएगा इसको आप। और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे हमारे चैनल पे हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो हमको जो है ज्वाइन करने के बाद जो नोटिफिकेशन आता है वो हमारे पे नहीं आ रहा है, और ये सुनते थे लोग कहते थे लेकिन बट मैं अपने खुद ही मोबाइल से दूसरे चैनल में बनाई हूँ और मैं अपने उस चैनल को ज्वाइन की हूँ, सब्सक्राइब की हूँ और नोटिफिकेशन ऑन करने के बाद वहाँ से जो है दूसरे चैनल से हमारा दिया नहीं है। और इससे क्या होता है कि जो हम वीडियो बना रहे हैं, जो हमारा वीडियो है हमारे फ्रेंड्स तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो प्लीज़ मैं यूट्यूब को ही मैसेज देना चाह रही हूँ, प्लीज़ हमारा ये वीडियो ध्यान दीजिएगा और मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, हमारे जो वीडियो है हमारे फ्रेंड्स तक नहीं जा पा रहा है, इससे हमारा व्यूज़ बहुत कमा रहा है और मैं काफ़ी मेहनत से मेरा थोड़ा बच्चा वगैरह मैं मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए, थोड़ा सा मैं उसको जल्दी मिल लूँ तो मैं बात करती हूँ। ये अभी सोया नहीं सोएगा, तो वही मैं आप लोगों से निवेदन कर रही हूँ खासकर यूट्यूब से, और प्लीज़ आप हमारे वीडियो को ध्यान दीजिए। देखिए छोटा कुछ भी बहुत परेशान करके भी मैं वीडियो बनाती हूँ और क्योंकि ये हमारा प्लेटफॉर्म है, मैं इस पर क्या कहते हैं कुछ अपना बनना चाहती हूँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ उस हिसाब से मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। आप लोग मेरी सारी वीडियो देखिए तो आप लोग हमारी वीडियो को देखते भी हैं लेकिन मेरा उस हिसाब से व्यू बिल्कुल नहीं आ रहा है। क्या ये चीज़ आप लोगों के भी साथ होता है कि हमारे चैनल पे ऐसा हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रही, मैं बहुत परेशान थी और मैं ये वीडियो नहीं पोस्ट कर पा रही थी, मैं आज इस वीडियो को पोस्ट कर रही हूँ और आप लोग वीडियो को देखिएगा और अपना अपना सपोर्ट जरूर दीजिए और मुझे कमेंट करके आप लोग बताइए ये चीज़ आप लोगों के साथ भी होता है, क्योंकि हमारा जो वीडियो है हमारे फ्रेंड्स तक नहीं पहुंच पा रहा है, इससे हमारे चैनल पे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। इससे पहले हमारे चैनल पे व्यूज़ वगैरह भी ठीक ठाक थे बट अब तो बिल्कुल कम हो गया। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, हमारा साथ दीजिए और मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। अब हम आप लोगों के सामने एक नया सा ब्लॉग लेकर आएंगे। ओके थैंक यू, बाय, गुड नाइट।